नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर महाराजगंज से है। यहाँ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को लेकर उत्साहित मतदाता सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत नेपाल सीमा से सटी 84 किलोमीटर सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहाँ पर SSB और पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों पर पुलिस होमगार्ड के साथ 17 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर सुबह से बुजुर्ग महिलाओं और खासकर युवाओं में जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कहाँ के रहने वाले, किस मुद्दे का आपने वोट किया? तो मेरा नाम रामकेश प्रजापति है, मैं ग्राम सभा कुल्ही का ग्राम प्रधान हूँ। मैं वोट राष्ट्र के मुद्दे पे किया हूँ, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पे किया हूँ, सड़क का जो विकास हुआ है देश में उसके उस मुद्दे पे किया हूँ, गांव में जो अमृत सरोवर बना है या अमृत काल मनाया गया है उस मुद्दे पे किया हूँ। आज आपने मतदान किया है, किस मुद्दे पे किया है और जो बुजुर्ग हैं उनके प्राथमिकताएं कितने वर्ष की हैं और क्या? देखिए, हमारी ये माता जी हैं, 105 वर्ष की हो गई हैं। राष्ट्र हित में और गांव के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जो हम लोगों की सोच है उस पर हम लोगों ने वोट किया है। माता जी, आप आज वोट किए हैं, किस मुद्दे पे वोट किए? देश हित में। किस मुद्दे पर वोट दिया है? मेरा नाम सुरक्षा जैरी है, हम प्रयोग निवासी हैं। हमने राष्ट्र हित के लिए और देश हितों के लिए और गांव के विकास के लिए और शिक्षित लोगों को मतलब उनके रोजगार के लिए वोट किया। आज की सबूत पे आपने पहला मतदान किया है, किस मुद्दे पे आप वोट किया? रोड, नाली, पानी, शिक्षा व्यवस्था, देश की सुरक्षा। आज ये लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, भारत नेपाल की सीमा लास्ट ये छोर है, महाराजगंज जनपद नौतरवा कस्बे से वार्ड नंबर 18 जानकी नगर का मैं आज पहला वोटर, मैंने पहला वोट दिया हूँ अपना। क्या नाम है? विकास गोयल, जानकी नगर, वार्ड नंबर 18, नौतरवा जिला, महाराजगंज। क्या नाम है? मेरा नाम मानस उपाध्याय है, मैं लोकसभा 63 महाराजगंज का निवासी हूँ। मैं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं राष्ट्रहित के मुद्दे पे वोट मतदान किया हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, मतदान किया, किस मुद्दे पे मतदान आपने? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं कुल्ही का निवासी हूँ। मैं राष्ट्रहित पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो ये परियोजना चला है, जल परियोजना जो घर घर पहुँच रहा है, उस मुद्दे पे मैंने वोट किया है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, किस मुद्दे पे आज वोट किया? हम जोगिंदर सिंह, मेरा नाम है, मैं कुल्ही का रहने वाला हूँ। मुद्दा मेरा है विकास के नाम पर हम लोग वोट किए हैं, सबका साथ सबका विकास और सनातन धर्म के मतलब। आज किस प्रकार का निरीक्षण किया गया सर मतदान के दिन और क्या व्यवस्था है सर, क्या तैयारियां है? सारे हमारी पार्टियां प्रारंभ में मॉक पोल 5:30 बजे स्टार्ट हो गया था और 7 बजे हमारी पोलिंग शुरू हो गई है। ऐसी कोई समस्या नहीं, अभी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सर, आपके द्वारा कितने निरीक्षण किया गया है और क्या दिशा निर्देश दिया गया? मैं 18 बूथों पे जा चुका हूँ अभी तक और वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं। सभी लोगों को थोड़ा बहुत था, लाइट वाइट की समस्या थी, बाकी सब ठीक है। लाइट जनरेटर चलवा दिया गया है, सभी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक चल रही है और पब्लिक भी सहयोग कर रही थी। मेरा वोट मोहब्बत के नाम, मेरा वोट युवाओं के रोजगार के नाम, मेरा वोट महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के नाम, मेरा वोट किसानों के हक के नाम, मेरा वोट श्रमिकों, मजदूरों के सम्मान के नाम, मेरा वोट हाशिए पे पड़े हर उस व्यक्ति के नाम जिसको मुख्य धारा में लाना है, मेरा वोट इंडिया के नाम। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में कुल 2084 बूथों पर 20,04,000 मतदाता चुनावी मैदान में उतरे हैं। 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। यहां प्रमुख रूप से भाजपा के प्रत्याशी पंकज चौधरी, कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी और बहुजन समाज पार्टी के आलम चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।